महाकाल दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बड़े होंगे। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं फरुखाबाद से गोला गोकरणनाथ में, जो कि हमारा डीजे सेटअप आ चुका है। सभी कांवरिया लोग भी आ चुके हैं। अब यहाँ पे आपको डीजे सेटअप दिखाने वाला, जितने भी हमारे डीजे सेटअप आए हुए हैं इस गोला गोकरणनाथ में कांवर यात्रा लेके, हम आपको हर एक डीजे दिखाने वाले जितने भी हमारे डीजे सेटअप आए हुए हैं। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहे, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग हमारा डीजे सेटअप देख सकते हैं, जो कि ये हमारा डीजे सेटअप है, जिसमें मैंने एक बेस, 3 15 इंची, 1 12 इंची और 2 हॉर्न लगाए हुए हैं, जो कि आप लोगों ने वीडियो में भी देखा। दोस्तों, एक और डीजे सेटअप यहाँ पे है पास में ही, जिसमें 4 हॉर्न, 4 12 इंची और 2 15 इंची, 1 बेस लगाया है भाई ने। एंड और भी आपको डीजे सेटअप दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में पूरा बने रहें एंड तक, काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगा। लोग क्या क्या बेस, कितने कितने टॉप लगा के लाते हैं डीजे सेटअप में, अपनी कांवर यात्रा में जो भी डीजे बुक कराते हैं, कितने टॉप कितने बेस लगा के लाते हैं, तो दोस्तों आपको दिखाने वाला हूं। एंड ये दोस्तों वीडियो देख सकते हैं, ये गोला गोकरणनाथ का चीनी मिल के पास में ही ये सभी कांवरिया लोग रुके हुए हैं, वहीं का ये नज़ारा है। तो दोस्तों, आपको सभी डीजे दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहें, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है व्लॉग में। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। दोस्तों, आप देख सकते हैं और भी डीजे सेटअप हैं, जो कि ट्रॉली में लदे हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं हॉर्न आपको दिख रहे हैं, बाकी आपको टॉप भी दिखाने वाला हूं, बेस भी दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, आगे वीडियो में बने रहें एंड तक। देख सकते हैं काफी लोग, कांवड़िया लोग आए हुए हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हैं भाई ने 4 12 लगाए हुए थे एंड 1 बेस लगाया था। इसमें 215 इंची नहीं लगाए थे, इसमें केवल बेस और 12 इंची ही लगाए थे। एंड यहाँ पे आपको और भी डीजे सेटअप दिखाने वाला हूँ। देख सकते हैं और भी सारे डीजे सेटअप आए हुए हैं, 4 4 8 8 बेस का भी डीजे सेटअप है वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहें, वो भी आपको दिखाने वाला हूँ, कितने बड़े बड़े बेस, मतलब बेस लगा के लाते हैं कितने और कितने टॉप लगा के लाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहें। एंड देख सकते हैं ये सामने ही डीजे सेटअप खड़ा हुआ है, जिसमें हमारे काफ़ी ज़्यादा बेस लगे हुए हैं, जैसे कि आपको दिखाना चाहूँगा पास से। देख सकते हैं यहाँ पे 4 बेस लगे हुए हैं और दोस्तों 6 15 इंची लगे हुए हैं एंड 2 12 इंची लगे हुए हैं। लाइटिंग भी लगा हुआ है एंड यहाँ पे HF भी लगा हुआ है, जो कि अलग से ट्विटर इसमें दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा डीजे सेटअप, इसमें बड़े जनरेटर यूज़ किया गया है, जो कि 25 KV का इसके अंदर लोड है एंड हाई फाई एम्पलीफायर्स यूज़ किए गए हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी डीजे सेटअप है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 1 बेस लगा हुआ है और 204 4 स्पीकर वाले भी कुछ लगे हुए हैं। एंड यहाँ पे स्पीकर 201 ख़राब गया था, क्योंकि भाई रिपेयर करवाने गए थे, मैंने इससे बात की थी एंड ये स्पीकर ख़राब गया था, भाई ने बोला था ये ख़राब गया, पता नहीं कैसे ख़राब गया बजाते टाइम। एंड यहाँ पे और भी डीजे सेट देख सकते हैं, जो कि ओम डीजे यहाँ पे है, इसमें 204 बेस लगे हुए हैं। देख सकते हैं पास से आपको स्पीकर दिखा देता हूँ, इसमें 18 18 इंचज़ के दोस्तों स्पीकर्स लगे हुए हैं, जो कि 4 बेस यूज़ किए गए हैं और टॉप देख सकते हैं कितने यूज़ किए गए हैं एंड HF यूज़ किए गए हैं। लाइटिंग भी लगी हुई है। दोस्तों, ये डीजे सेटअप ट्रॉली में लगा हुआ था, जो कि 4 बेस वाला, जो कि आप लोगों ने देखा, इसका अंदर का व्यू देख सकते हैं। इसके अंदर बड़ा जनरेटर यूज़ किया गया था एंड एक छोटा स्टेपनी, जिसे बोलते हैं इमरजेंसी में छोटा, बाकी बड़ा जनरेटर यूज़ किया गया था। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा हाई फाई डीजे सेटअप लोग लेके आते हैं, 6 बेस 8 बेस 4 बेस, जैसे कि मैं तो 1 ही बेस लगा के लाता हूँ, जो कि पार्टी का डिमांड करता है, भाई इतना ही लगाओ, वैसे हिसाब से पैसे भी मैं लेता हूँ। बाकी ये लोग काफ़ी ज़्यादा पैसे लेते हैं एंड जैसे कि बेस जितने लगा के लाते हैं, उसी हिसाब से पैसे भी चार्ज करते होंगे। एंड देख सकते हैं यहाँ का व्यू कुछ इस प्रकार का दिया गया। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना एंड इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।